हेलो फ्रेंड्स दिस इज़ चारू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी Learners. लर्नर्स सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट हाउ टू वेलकम स्टूडेंट्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ न्यू एकेडमिक सेशन दैट इज़ 2022 टू 2023. बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको कुछ एक्टिविटीज़ के आइडियाज़ दूंगी और कुछ ऐसे वेज दूंगी जिससे आप बच्चों को वेलकम बैक कर सकते हो स्कूल में आफ्टर टू टू और टू पॉइंट फाइव ईयर्स राइट सो बेसिकली आप इसको कह सकते हो कि बैक टू स्कूल आइडियाज़ और यू नो कैसे हम बच्चों को चीयर अप करेंगे कैसे उनकी हैप्पीनेस क्लासरूम एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कराएंगे और कैसे उनको हम इनकरेज करेंगे कि वो स्कूल आए बिकॉज दो साल से बच्चे घर में हैं और यू you नो know, वो बहुत यूज हो गए हैं कि हम घर में ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू कंफर्टेबल हैं बेसिकली वो कंफर्ट जोन में आ गए हैं सो so, हम कैसे उस कंफर्ट जोन से बाहर निकालेंगे और कैसे हम बच्चों को बताएंगे कि स्कूल में भी लर्निंग इज़ फन सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज एंट्रेंस ऑफ द स्कूल और द होल स्कूल पूरा एंट्रेंस और पूरा स्कूल बहुत अच्छे से डेकोरेट होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ बेलून्स और यू नो पपेट्स और यू कैन से लाइक कार्टून कैरेक्टर्स इट टोटली डिपेंड्स ऑन द बजट ये बजट पे डिपेंड करता है कि स्कूल का बजट क्या है और किस अकॉर्डिंग आप अपने बच्चों को वेलकम करना चाहते हो क्या होता है स्कूल्स में भी कुछ बिल्डिंग ऐसी होती है कि जिसमें ज़रूरत ही नहीं है कुछ डेकोरेशन की थोड़ा बहुत करके भी काम चल जाएगा क्योंकि वो पूरा पेंटेड होती है बच्चों के कार्टून कैरेक्टर्स वगैरह से कुछ बिल्डिंग जो होती है बिल्कुल रॉ होती हैं उस पर टीचर ही अपने कटआउट्स लगाती है कटिंग्स लगाती है और डेकोरेट करती है सो फर्स्ट थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये है कि आपको स्कूल का एंट्रेंस बहुत अच्छा करना है सो दैट बच्चे देख कर देखे कि वाओ हमारा स्कूल कितना अट्रैक्टिव है बहुत अच्छा लग रहा है मतलब बच्चों को लगे कि हाँ अच्छा है स्कूल हम आएंगे तो आप बलून से डेकोरेट करा सकते हो अगर हो सके तो कोई कार्टून कैरेक्टर जैसे कि छोटा भीम वगैरह का जो Uh, कपड़े वगैरह पहन के हम लोग पार्टीज़ में देखते हैं आप वो भी खड़ा कर सकते हो बाहर प्लस कुछ टीचर्स तो बच्चों को ग्रेट करने के लिए होंगी आप टीचर्स बच्चों को ग्रेट करने के लिए मतलब स, आ, सिंगल ना खड़ी हो जैसे कि सिर्फ खड़ी हैं या फिर हाय हेलो गुड मॉर्निंग नहीं आप बच्चों के लिए कुछ चीज़ें ले सकते हो अपने हैंड में लाइक like, आप खाने की चीज़ें ईटेबल्स ले सकते हो टॉफ़ीज या फिर सम यू नो वेलकम स्माइलीज इस टाइप से आप स्माइलीज बच्चों को वेयर करा दो आप कुछ स्कूल्स के सेशन फर्स्ट ऑफ़ अप्रैल से स्टार्ट हो गए थे कुछ के फिफ्थ ऑफ अप्रैल से होने हैं एंड कुछ के फोर्थ अप्रैल से होने हैं सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द स्कूल सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो एंड आई विल अपलोड बाई टूडे इट्सल्फ सो आई थिंक ये वीडियो आप लोगों के हेल्प में आएगी और आएगी तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो तो ये फर्स्ट चीज़ है हमारी क्या आपका एंट्रेंस ऑफ द होल स्कूल बिल्डिंग Now second thing is your classroom. So your classroom should be well decorated and you know well organized. अगर आपको classroom ideas के वो चाहिए videos या फिर आपको छोटे-छोटे clips भी देखनी है, shorts देखने है, you can you know uh, visit my Instagram ID that is sharu.gen0208 वहाँ पर मैं स्टोरीज डालती रहती हूँ क्लासरूम की पपेट्स की टीचिंग एड्स की और इस चैनल पे तो मैं डालती हूँ तो आप एक बार इंस्टाग्राम पे मुझे जाके फॉलो कर सकते हो सो दैट आपको सारी अपडेट्स स्टोरीज आपको देखती रहें मैं इस पर भी अपलोड कर दूँगी एंड अगर आप चाहते हो क्लासरूम का फुल वीडियो सो यू कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स वो भी मैं ट्राई करूँगी अपलोड करने का तो आपकी जो क्लासरूम है अगर आप नर्सरी ले रहे हो सो आपकी नर्सरी क्लास बहुत कलरफुल होनी चाहिए लाइक आप अगर ए बी सी डी के भी टीचिंग गेट्स लगा रहे हो या जो भी कटआउट्स चार्ट्स बना रहे हो ट्राई करो कलरफुल हो अट्रैक्टिव हो बच्चों को देख के लगे हम कितने अच्छे प्लेस पर आ गए हैं स्कूल बहुत अच्छा है आपको इस टाइम से अपनी क्लासरूम अच्छे से डेकोरेट करनी है और ये हर क्लास के लिए लाइक नर्सरी टू सेकंड थोड़ा सा छोटे बच्चों को प्रॉब्लम होगी आने में लाइक like, वो अपने पेरेंट्स से डिटैच होने में प्रॉब्लम करेंगे क्योंकि चाहे नर्सरी का बच्चा हो चाहे के का हो चाहे फर्स्ट का हो ये तीन जो बच्चे हैं तीन स्टैंडर्ड के ये दो साल से घर में है तो सब लेकिन ये ज़्यादा पेरेंट्स से यू नो अटैच हो गए हैं तो इनको डिटैच करना है स्कूल लाना है स्कूल की टाइमिंग्स भी ज़्यादा है तो उस चीज़ को कम करने के लिए हमें अपनी क्लास को इफेक्टिव बनाना है स्कूल को इफेक्टिव बनाना है अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाना है तो वो सारा पॉइंट्स अभी मैं धीरे धीरे कवर करूँगी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी बट ये वीडियो आप लोगों के लिए वर्थ इट होगी क्लासरूम हो गया नाउ कम्स टू योर टीचिंग आपका टीचिंग स्टाइल शुड बी यू नो वेरी इफेक्टिव एंड मोर ओवर यू हैव टू यूज टीचिंग एड्स अपने टीचिंग एड्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो अगर मैं चलो मैं मानती हूँ कि हर टॉपिक का टीचिंग एड नहीं होता लेकिन स्टार्टिंग में जो भी आप करा रहे हो वैसे शुरू के दिन में तो आप पढ़ाओगे नहीं हैप्पीनेस क्लासरूम एक्टिविटीज़ ही चल रही हैं कलरिंग शीट हो गई और एनी एक्टिविटी और यू नो एनी इंटरेक्शन एक्टिविटी और स्लाइड्स और एनी एल्स तो वो उसके साथ साथ आप बच्चों से इंटरेक्ट करो ट्राई टू कम्युनिकेट विद देम कुछ बच्चे बहुत शाही होंगे नहीं बोलेंगे कुछ ओवर स्पोकन होंगे तो आपको मैनेज करके चलना है आपको बच्चों के साथ टीचिंग एड्स के थ्रू ही पढ़ाना है ताकि बच्चों को लगे कि हमारी मैम ने हमें कल वो वाला टॉय दिखाया था या हमारी मैम ने हमें वो वाला कैरेक्टर दिखाया था मैं कल भी जाऊंगी मैम न्यू कैरेक्टर दिखाएंगी आपको अपनी टीचिंग ऐसे बनानी है आप बच्चों को थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करो कि अच्छा आप जो कला आएगा ना मैम उसको किसी और कैरेक्टर से मिलवाएंगी लाइक like दैट तो बच्चों में एक एनकरेजमेंट होगा वो इनकरेज होंगे एक्साइटमेंट लेवल डेवलप होगा सो बेसिकली वी हैव टू वर्क ऑन दीज यू नो एस्पेक्ट्स इन स्टार्टिंग हमें इन एस्पेक्ट्स पर ही वर्क करना पड़ेगा स्टार्टिंग में नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट कम्स टू यू नो इंसेंटिव और गिफ्ट अब बच्चा आ रहा है स्कूल में तो देखो स्कूल का बजट ज़रूर नहीं है हर स्कूल का बजट बहुत ज़्यादा हो कि आप एक्सपेंसिव गिफ्ट बाय करके बच्चों को दो ऐसा नहीं है इफ़ यू वॉन्ट कि हमें कुछ नहीं बाय करना मैं एक उसकी वीडियो अलग से बनाऊंगी पेंसिल्स के ऊपर आप कुछ अच्छा सा कट बना के लगा सकते हो अब इसमें आप लोगों की मेहनत होने वाली है आप लोगों को अल्टीमेटली बनाना पड़ेगा बट या यू uh, नो you know, ये तो करना ही पड़ेगा बच्चों के लिए बच्चे दो साल बाद आ रहे हैं सो विद यू नो बिग स्माइल आपको उनको वेलकम करना है और अल्टीमेटली आई वी आर द टीचर्स सो वी आर फॉर दैम राइट सो आप कटआउट्स बनाइए पेंसिल के पेंसिल के ऊपर कुछ भी अच्छा अच्छा उसके मैंने वीडियो अभी अपलोड नहीं की है लेकिन हाँ आई एम वर्किंग ऑन दैट उसकी भी वीडियो या शॉर्ट मैं अपलोड कर दूंगी ये हो गए गिफ्ट्स की बात ना मूव ऑन टू सम एक्टिविटीज फॉर द वेरी फर्स्ट डे ऑफ योर यू नो किड्स और न्यू एकेडमिक सेशन वीडियोस ऑलरेडी ऑनलाइन सेशन की बहुत डाली हुई है मैंने और उस उसमें बहुत अच्छे व्यूज है लाइक लैख और यू नो एटीन थाउजेंड व्यूज समथिंग है बहुत अच्छा वो उस वीडियो का रिस्पॉन्स था आप उन्हीं से ही वैसे तो मोल्ड कर सकते हो स्टिल आई कैन गिव यू सम आइडियाज आइडियाज़ लाइक like आप बच्चों को जो बच्चों का एक्टिविटी रूम है यो एक्टिविटी रूम शुड बी वेल ऑर्गेनाइज वहाँ पे हर एक्टिविटी लगी हुई होनी चाहिए और आप बच्चों को एक्टिविटी के लिए भी लेकर जाओ आप बच्चों को स्टार्टिंग में एक्टिविटी के लिए लेकर जाओगे स्लाइड्स भी लेकर जाओगे बच्चे इंकरेज होंगे बच्चे को अच्छा लगेगा कि हमारा स्कूल बहुत अच्छा है घर से ज़्यादा मजा हमें स्कूल में आता है हम तो जाएंगे स्कूल तो इस टाइप से हमें बच्चों को बच्चों के अंदर ये वाली फीलिंग इंकल्केट करनी है राइट एक्टिविटीज़ की बात करूँ तो स्टार्टिंग में बच्चों को आप थोड़ा सा बोलने दो उनको थॉट्स एक्सप्रेस करने दो तो आप वन मिनट बच्चों को बुला के उससे राइंग सुन सकते हो या जो भी बच्चे को बोलना है अपना नेम भी बच्चा बोल देगा ना वो कॉन्फिडेंट फील करेगा इस टाइप से आप कराओ सेकेंड थिंग इज कलरिंग बच्चों को कलरिंग कराओ बच्चों को ड्राइंग में कुछ भी ड्रॉ करा दीजिए आप इस टाइप से आप ये एक्टिविटीज़ करा सकते हो धीरे धीरे हमें पढ़ाना स्टार्ट करना है गेम्स के थ्रू पढ़ाइए एंड रिस्ड लर्निंग हमें करानी है बच्चे की ओके हमें बिल्कुल लर्निंग को बोरिंग नहीं बनाना है लर्निंग को हमें फ़न एक वे में ही कराना है हमारी एनी भी, भी आ जाएगी उसमें भी बिल्कुल हमें यही है रोट लर्निंग हटानी है सो ये जो एस्पेक्ट्स हैं आपको कवर करने हैं फॉर द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द न्यू अकेडमिक सेशन ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो मैंने कवर करने की कोशिश की कुछ अभी मैंने इसमें छोड़ भी दिए हैं वो एक नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी इसकी एक सीरीज़ बना दूँगी और इसके लिए अब डेली या फिर ट्वाइस इन अ वीक आपको अपडेट मिलता रहेगा कि कैसे आपको न्यू सेशन में करना है बट वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसमें ज़्यादा एड ऑन नहीं करूँगी इतना ही आप लोग ध्यान रखो और अच्छे से करो आई होप आपके लिए बहुत हेल्प यू नो आपको मिलेगी इस वीडियो से और मिलेगी तो प्लीज़ यार लाइक के थ्रू ना एक इस आ, इस चीज़ को मोटिवेट कर दिया करो कि हाँ मैम यू आर डूइंग सच अ गुड जॉब अगर आपको लग रहा है तो लाइक कर दिया करो मुझे अच्छा लगता है बाकी जो भी आपके डाउट्स होंगे प्लीज मैंशन द कॉमेंट बॉक्स एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो बाय बाय